नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द लोगों को ये क्वेरी होती है कि सस्ते स्टॉक्स को कैसे ढूंढा जाए, या जो स्टॉक्स अपने डीएमए 200 लेवल के नीचे है, जिसको हम डेली मूविंग एवरेज कहते हैं, उसके नीचे है, तो उनको कैसे ढूंढा जाए। तो मोस्ट ऑफ द लोगों को ये क्वेरी होती है, और लोग अक्सर इनको यही क्वेश्चन आता है कि ये सब चीजें कैसे की जाए। तो दोस्तों, आज हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि जो क्वालिटी स्टॉक्स है, जो कि डीएमए 200 के नीचे है, उनको कैसे सर्च किया जाए और उनको कैसे फिल्टर आउट किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो काम करने का है, वो करने का है कि आपको स्क्रीनर.इन ये वेबसाइट पे आने का है, ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आपको स्क्रीनर.इन वेबसाइट पे जाने का है। सेकंड स्टेप जो है, वो आपको दोस्तों यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखेंगे। जब वेबसाइट पे आप जाओगे, यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन है फीड, सेकंड ऑप्शन है स्क्रीन, थर्ड ऑप्शन है टूल्स। तो दोस्तों, आपको ये स्क्रीन जो ऑप्शन दिख रहा है, जो येलो हाईलाइटेड है, आपको दोस्तों उस पर क्लिक करने का है। उस पर क्लिक करने के बाद जो आपको जो थर्ड ऑप्शन है, क्या करने का दोस्तों, यहाँ पे क्रिएट न्यू स्क्रीन, दोस्तों आप ये देख रहे हैं, तो ये क्रिएट न्यू स्क्रीन को क्लिक करने का है। तो मैं दोस्तों अभी ये वेबसाइट पे आ गया हूं, मैं इसको कर रहा हूं क्लिक यहाँ पे क्रिएट न्यू स्क्रीन को। तो दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेरी आ जाएगी, यहाँ पे एक ब्लैंक ब्लॉक बॉक्स आ जाएगा। तो दोस्तों, उसमें आपको सिंपली क्या टाइप करने का है, तो आप ये देखते जाइए। जैसे कि मैं अभी करंट प्राइस है, मुझे लेस देन 200 डेली मूविंग एवरेज चाहिए, तो मैं करंट प्राइस प्राइस को यहाँ पे क्लिक करूंगा। फिर दोस्तों, यहाँ पे मैं ये लेस देन का सिग्नेचर है, ये जो आप सिग्नेचर देख रहे हैं, ये लेस देन का है, तो लेस देन डी एम ए, तो यहाँ पे डी एम ए डेली मूविंग एवरेज 200 को मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। फिर दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आपने पहली क्वेरी टाइप कर ली, तो आपको एंड का ऑप्शन पीछे इस्तेमाल करने का है। जब तक आप एंड का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक वो जो क्वेरी है वो रन नहीं होगी। तो अगर मल्टीपल क्वेरीज आपको रन करनी है, तो एंड का ऑप्शन जरूर आपको इस्तेमाल करना है। अभी दोस्तों, ये तो सिर्फ हो गया कर, ये हमें अगर ये क्वेरी को रन करते, तो सिर्फ हमें वो ही स्टॉक्स मिलेंगे जो कि डीएमए 200 के नीचे है दोस्तों। लेकिन हमें क्वालिटी स्टॉक्स भी चाहिए साथ में, जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एडिकेसी अच्छा है, या रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। तो दोस्तों, हमें सभी वो स्टॉक्स चाहिए जो कि डीएमए 200 के नीचे। तो दोस्तों, मेरा जो सेकंड क्वेरी रहेगी, वो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे रिटर्न ऑन, अगर आप रिटर्न सर्च करोगे तो आपको सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी दोस्तों ये मुझे मिनिमम चाहिए कि मिनिमम 15% से ऊपर होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये ग्रेटर का साइन आपको दिख रहा है राइट, तो यहाँ पे मैं ग्रेटर करूंगा और 15% क्लिक करूंगा और फिर एंड करूंगा। तो दोस्तों, ये मेरा सेकंड जो है वो फिल्टर आउट हो गया कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है मिनिमम 15% से ऊपर चाहिए। अभी जो मेरा जो थर्ड है क्वेरी का फैक्टर, वो ये है कि मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी 15% से ऊपर चाहिए। तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी है वो ग्रेटर देन मैं 15% करूंगा, एंड ये मेरा थर्ड फैक्टर हो गया। अभी दोस्तों, मेरा फोर्थ जो है, फोर्थ क्या चाहिए मुझे कि जो डेट टू इक्विटी है कंपनी का, वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये डेट टू इक्विटी मैं अगर क्लिक करूंगा, तो ये डेट टू इक्विटी ये लेस देन 1, ठीक है। और फिर दोस्तों, आपको एंड करने का है यहाँ पे। तो ये दोस्तों मेरे चार फैक्टर हो गए। पहला करंट प्राइस है, सेकंड लेस देन डीएमए 200, सेकंड है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो मिनिमम 15% से ऊपर होना चाहिए, थर्ड इक्विटी भी 15% से ऊपर होना चाहिए, फोर्थ जो डेट टू इक्विटी है वो लेस देन 1 होना चाहिए। अभी फिफ्थ जो फैक्टर है दोस्तों इसमें, ये वो ये है कि मेरा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो मैं सर्च कर रहा हूँ, वो ग्रेटर देन 1000 करोड़ होना चाहिए। आप इसको 500 कर सकते हो या ग्रेटर देन 5000 कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है कि आपको कौन से स्टॉक्स चाहिए। आपको लार्ज कैप स्टॉक्स चाहिए तो आप ज्यादा इसमें कैपिटलाइजेशन का जो अमाउंट है वो बढ़ा सकते हो, स्मॉल स्टॉक्स स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स चाहिए तो उस हिसाब से आप फिल्टर आउट कर सकते हो। यहाँ पे मैं मिनिमम 1000 कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने पांचों फैक्टर इसके अंदर आपने लगा लिए। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, ये
इसको है रन दिस क्वेरी करने का है। तो रन दिस क्वेरी करेंगे तो आपको वो सभी स्टॉक्स मिल जाएंगे जो कि लेस देन डीएमए 200 है और जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और जो दूसरे जो फैक्टर्स है वो सभी मैच करेंगे। तो मैं ये रन दिस क्वेरी करता हूँ। तो दोस्तों रन दिस क्वेरी किया तो सबसे पहले जो नाम आ रहे ये है कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, फिर ग्लेनमार्क लाइफ। तो दोस्तों अभी मुझे क्या करने का है, मुझे वो सारे स्टॉक्स चाहिए जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा हो। तो मैं दोस्तों यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन में क्लिक करूंगा तो सबसे ज्यादा वाला मार्केट कैपिटलाइजेशन मेरे सामने आ जाएगा। तो सबसे पहली जो कंपनी आ रही है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो दोस्तों ये सभी स्टॉक्स जो है वो डीएमए आज की डेट में डीएमए 200 के नीचे है। तो मैं जस्ट दोस्तों यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर पे जाऊंगा और मैं देखूंगा कि इसका करंट मार्केट प्राइस अभी क्या चल रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस जो दोस्तों चल रहा है वो है 2,335 रुपए के आसपास। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करूंगा मैं दोस्तों यहाँ पे ये ग्राफ ऑलरेडी आपको दिखेगा इसके अंदर, जब आप स्टॉक के अंदर इसके अंदर जाओगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे दिखेगा और ये सजेशन भी आपको आ जाएगा कि अभी जो है करंट मार्केट प्राइस 2,335, उसका डीएमए जो अभी है मतलब ये 2,445 है। तो ये डीएमए इसका 2,445 है और करंट मार्केट प्राइस जो है इसका 2,335 है। तो ये डीएमए 200 के नीचे चल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है वन बाय वन जो है आपके जो भी पसंदीदा स्टॉक्स या जिस स्टॉक्स में आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो स्टॉक्स जो है आप सर्च कर सकते हैं। इवन दोस्तों इसमें आपको दूसरे और भी फिल्टर्स मिलेंगे, जैसे कि हमने देखा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एडिक्वेसी है वो ग्रेटर देन 15% होना चाहिए। तो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एडिक्वेसी 39% है, वहीं इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 29% है और इवन प्रमोटर्स होल्डिंग है 61% है और ये जो अपने 52 वीक्स है अराउंड 18% के आसपास डाउन चल रहा है। तो दोस्तों ये जो है ये सभी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएगी। सेकंडली दोस्तों अगर आप एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो हम इस पे क्लिक करके देख लेंगे कि वो क्या है। तो इसका 6671 का करंट मार्केट प्राइस है और अगर मैं ग्राफ पे आऊं तो पता चलेगा कि यहाँ पे डीएमए 200 है वो 686 है और 671 का इसका मार्केट प्राइस है। अगेन ये डीएमए जो है डेली मूविंग एवरेज उसके नीचे चल रहा है। तो दोस्तों और इसका भी रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम चेक करें तो अराउंड 17.69% के आसपास है और वहीं इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 15.37% का है, मतलब कि ये हमारे क्राइटेरिया को मैच करे क्योंकि ये 15% से ऊपर है। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था डेट टू इक्विटी लेस देन 1 होना चाहिए, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में इसका डेट टू इक्विटी 0.02 है, लेस देन 1 है। और इसका अगर मैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं अगेन इसका जो डेट टू इक्विटी है वो लेस देन 1 है। तो ये क्राइटेरिया भी हमारा फुलफिल हो रहा है। और जो मैंने लास्ट क्राइटेरिया की बात की थी दोस्तों कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,000 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ये भी क्राइटेरिया मीट कर रहा है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 1,35,767 करोड़ है। तो ये भी क्राइटेरिया हमारा मीट कर रहा है। तो दोस्तों ये सभी क्राइटेरिया जो है हमारे मीट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप ये जो है क्वेरी आप देख लीजिए और आप नोट डाउन कर लीजिए और आप इस क्वेरी को रन कीजिए तो आपको ये सभी क्वालिटी स्टॉक्स मिलेंगे। तो दोस्तों अगेन हम अपने नोटपैड पे आ जाते हैं एक बार और वहां पे देख लेते हैं कि वन बाय वन हमने स्टेप्स को क्या फॉलो किया था। आपको स्क्रीनर डॉट इन वेबसाइट पे जाने का है, वहां पे सेकंड जो ऑप्शन है जो स्क्रीन ऑप्शन ऊपर ऊपर आ जाएगा तो उसको क्लिक करने का है। थर्ड आपको क्रिएट न्यू स्क्रीन में जाने का है जैसे मैंने आपको बताया था। फोर्थ जो मैंने क्वेरी बताई थी आपको वो क्लिक करने की, तो ये क्वेरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों ये क्वेरी आप देख लीजिए, ठीक है, ये क्वेरी एंटर करने के बाद आपको रन दिस क्वेरी करने का है तो आपको ये सभी कंपनीज मिल जाएंगी। और उसके बाद दोस्तों फिफ्थ जो है मैंने आपको बताया था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है आपको फ्रॉम हाई टू लो करने का है, तो आपको जो सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी होगी आपको वो मिल जाएगी। सिक्स जो है सिक्स स्टेप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, कि आपने टाइम निकाल के आपने इस वीडियो को देखा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट मैं आपके लिए लेते रहूंगा, लेते हुए आऊंगा। और आपको दोस्तों जो सजेशंस हो या किस कंपनी पे आपको रिसर्च चाहिए, किस कंपनी पे आपको फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए, तो
तो वो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपको हो सकेगा तो उतनी मैं आपको रिसर्च करके उन कंपनीज की बताऊंगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू दोस्तों वेरी मच।